यहाँ पे आए, और जैसा कि दो तीन दिन से जो न्यूज़ मीडिया पे आ रही है अबाउट मेरी शादी, तो बहुत हद तक वो सच नहीं है, बिल्कुल सच है, क्योंकि बिल्कुल मैं शादी करने जा रहा हूँ इंडियन लड़की से जिसका नाम शामिया नहीं है, सामिया है, SAMIYA। तो वो भी एक आप करेक्ट कर लें। और हमारा पहले प्लान था कि हम 22-23 अगस्त को शादी करें, लेकिन जिस तरह मीडिया पे अब 20 अगस्त आ रहा है, तो हमने 20 अगस्त ही फाइनल किया शादी की। शादी निकाह होगा, जस्ट एक स्मॉल रिसेप्शन है जिसमें मेरी फैमिलीज और मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड हैं वो जो है ना शामिल होंगे। अच्छा हसन भाई, ये बताइएगा कि 20 को निकाह दुबई में होगा, और क्रिकेटर्स कौन कौन से आपके बुला रहे हैं, इनवाइट किन को किया अपने फैमिली के अलावा? जी बिल्कुल, 20 को निकाह दुबई में होगा, और मोस्ट ऑफ क्रिकेटर्स जो हैं वो बिजी हैं, और आई थिंक मेरी शदाब से बात हो रही थी, शदाब जो है ना वो आएगा वहाँ। अच्छा हसन भाई, 20 को तो निकाह होगा, लेकिन रुखसी कब होगी, उसकी डेट क्या होगी? निकाह जो है वो दुबई में हम कर रहे हैं, और जो रुखसी जिसको हम अपनी पाकिस्तानी ज़ुबान में रुखसी कहते हैं, और जो वलीमा भी जिसको हम कहते हैं, वो इंशाल्लाह हम 2 या 3 महीने के बाद पाकिस्तान में करेंगे, जब सारे क्रिकेटर्स जो है ना वो फ्री होंगे। अच्छा हसन भाई, शादी निकाह के बाद आप पहली दफ़ा भाभी को पाकिस्तान लाने का क्या प्लान बनाया? 2-3 महीने में लेंगे कि रुखसी के बाद लेंगे, किस तरह पाकिस्तान में कैसे लेंगे, इसका प्लान थोड़ा सा चाहिए? जहाज़ के ऊपर अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन ये है कि जब हम वो उसका अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, आई थिंक जब रुखसती होगी तभी लेके आ सकते हैं उनको। अच्छा सर, करोड़ों लोग आपके असल में फैन हैं, जानना चाहते हैं सामिया से आपकी मुलाकात कब हुई, कब से आपका जो है उनसे रब्ता था, और कब आपने डिसाइड किया कि अब आप निकाह कर रहे हैं? ये एक साल पहले हम दुबई में एक रैंडम डिनर पे मिले थे, और वहाँ पे वो भी आई हुई थी और मैं भी इन्वाइट था वहाँ पे, तो वहाँ से हमारी जो है ये हम मिले, और वहाँ से बातचीत शुरू हुई। फिर उसके बाद मैंने अपनी फैमिली से बात की, मेरे भाई और भाभी जो हैं वो उसको मिले, और देन हमने डिसाइड किया कि हम मैंने अपने भाई को बोला कि मैं शादी करना चाहता हूँ इससे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमें कोई इशू नहीं। अच्छा हसन, आपकी इस जो खबर वायरल हुई है उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों की जाना थे, बहुत सी तस्वीरें आपके साथ वो करके जो है वो शेयर की गई, इस वाले से आप क्या कहेंगे? हर तस्वीर के साथ मुख्तलिफ लड़की थी, तो क्या कहेंगे? पता नहीं इतनी लड़की कहाँ से आ गई है, लेकिन हाँ बिल्कुल मैंने भी देखा है, तो मेरी फैमिली की तरफ से थोड़ा मुझ पर प्रेशर है, और वहाँ से भी, क्योंकि हम फ़ोटो जो है ना इस तरह शो नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि 20 को इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो कौन सी लड़की है, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ फेक लड़कियाँ भी हैं, लेकिन उसमें कुछ एक उसकी भी फ़ोटो भी है। भाभी की क्या चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आई, थोड़ा सा शेयर करें, लोग सुनना चाहते हैं? भाभी की ऑनेस्टी मुझे बहुत पसंद है, आपकी भाभी की ऑनेस्टी मुझे ऑनेस्टी बहुत पसंद आई, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, सो चाहे उसकी जॉब हो, चाहे उसका खाना हो, चाहे कुछ भी हो, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, सो आई थिंक उसकी वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। पाकिस्तानी लड़कियाँ बड़ी मायूस हुई हैं, तो उनको भी कुछ कहना चाहते हैं? म्यूज़ तो आप भी बहुत लग रहे हैं मुझे। देखिए हसन भाई, अच्छा बात किया कि आपके फैन अब कुछ दिनों से कंफ्यूज थे, एक तो तस्वीर वाली बात थी, अगर उनमें से कोई एक है वो ज़रा क्लियर कर दे। सर मैंने अभी बोला आपको कि मेरी फैमिली की तरफ से और उसकी फैमिली की तरफ से भी प्रेशर है कि हम ऐसा ना नहीं कर सकते, लेकिन 20 को इंशाल्लाह आप लोगों के सामने अच्छा आ जाएगी, अच्छा, तो फिर इसके लिए थोड़ा सा सब्र करें। थोड़ा सा बस ये बता दें, शादी की तैयारियां कैसी हैं, हसन अली शादी पे क्या पहनेंगे, अगर शेरवानी होगी किस कलर की होगी, थोड़ा सा अपने फैंस के लिए शेयर करें, और दूसरा साथ ये भी बताएं कि जो भाभी हैं हमारी सामिया, उनका जो फेवरेट क्रिकेटर है वो कौन है, हसन अली है या क्रिकेट में कुछ और पसंद है, उनका ज़रा थोड़ा सा हॉबीज या थोड़ा सा बताएं। अच्छा पहली बात ये कि मैं पाकिस्तानी स्टाइल की तरह कपड़े पहनूंगा, शेरवानी, और उसमें थोड़ा ब्लैक और रेड कलर होगा, और वो अपने इंडियन स्टाइल की तरह कपड़े पहनेगी, और क्रिकेट उसको क्रिकेट का कुछ पता नहीं है, और क्रिकेट उसको पसंद नहीं है, लेकिन उसका आई थिंक पहला फेवरेट क्रिकेट जो है वो हसन अली होगा। आपका ज़्यादा उनको क्या पसंद आया, आपने बताया तो होगा उनको क्रिकेट में इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन आपने क्या पसंद आया? शादी के बाद आप कुछ पूछ लीजिएगा, बता देंगे आपको। 26 अगस्त को अमाद वसीम की शादी करने जा रहे हैं, उनकी भी कल आपने देखा होगा खबर वाली, तो क्या प्लान किया था दोनों ने आगे पीछे शादी करने का? नहीं, उनकी शादी का मुझे, हमें पहले से ही पता है पूरी टीम को, और पता था कि इसी तारीख होगी, लेकिन उन्होंने अनाउंस अभी किया, और प्लान नहीं था मेरा, प्लान घर आके मैंने जब भाई से बात की तो तभी उन्होंने बोला कि हाँ अगर तुम अभी फ्री हो तो तुम शादी कर लो, तो हमने फ़ौरन से जो ना वो डिसाइड किया, तो उनका प्लान पहले से था, तो मेरी उनके साथ भी नेक तमन्नाएं, और ऑब्वियसली उनकी मेरे साथ होगी,
तो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हमने इकट्ठी शादी करें। अच्छा सर भाई, शादी के बाद आपका प्लान क्या होगा? पाकिस्तान में रहाइश रखेंगे कि कहीं और रखेंगे? क्यों आप पाकिस्तान से, वो इंडिया से, तो रहाइश का क्या प्लान किया, कहाँ करेंगे? जी ये बात हो चुकी है और बहुत डीपली बात हुई है और हम पाकिस्तान में इंशाल्लाह गुजरांवाला में ही रहेंगे, जहाँ पर आप खड़े हैं हम यहीं पर रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हसन भाई, एक सवाल है, बड़ी अपना बातें हो रही हैं लेकिन आप बता कुछ नहीं रहे। चले हम इंतज़ार करते हैं 20 तक और हम दुआ करते हैं, आपको गुड लक भी कहते हैं, अल्लाह करे सारा कुछ ठीक ठाक हो। अच्छा आपकी मुलाकात हुई भाभी से, दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, तो मुलाकात के बाद सबसे पहले इजहार किसने किया, आपने किया, हसन अली ने किया, हसन अली शर्माते रहे और भाभी पहल कर गई? ऑब्वियसली लड़के करते हैं पहले और मैंने ही किया था, और तो वो इजहार मेरा अभी तक माना नहीं गया क्योंकि वो मैंने जस्ट वैसे ही कर दिया था। कैसे किया था थोड़ा सा बताएं, या आपके सारे फैन जो हैं ना सिर्फ यहाँ इंडिया में दुनिया में आप लोग जानना चाहते हैं कैसे हुआ ये सब कुछ? आपकी शादी हो गई है? मेरी हो गई है। कैसे किया था आपने इजहार? लेकिन वो मेरा नहीं, जरा जानना नहीं चाह रहे, मैं तो यहाँ बैठ के बता। जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे किया मैंने, कुछ मतलब नहीं, मैंने जस्ट नॉर्मल, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, कुछ गुलाब नहीं था, आप जो पूछना चाहते हैं कुछ नहीं था, जस्ट मैंने वैसे ही अपने प्यार का इजहार किया कि मैंने उनको बताया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने वो थोड़ी शर्माई एज यूजुअल, जिस तरह लड़कियाँ शर्माती हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम टाइम स्पेंड करते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना वो देखते हैं। तो पाकिस्तानी लड़कियाँ पूछ रही हैं हसन अली हमें क्यों नहीं पसंद किया, सोशल मीडिया पे हर कोई सवाल कर रहा है इंडियन लड़की ही क्यों पसंद किया? मुझे तो कोई नहीं नज़र आई। अच्छा एक सवाल है, जिस तरह आगे नवंबर में सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है, क्या शादी के बाद इतना फॉर्म में आ जाएंगे कि सीरीज ज्वाइन करेंगे? मैंने आपको पहले बोला था कि यहाँ पे मेरी शादी की बात हो रही है, क्रिकेट का क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने सामिया खान को प्रपोज कर दिया, उसके बाद फैमिली ने सबसे पहले आपने किसके साथ जिक्र किया, उन्होंने कहा शान्यो जिसने आपके साथ आई हाँ में हम रही? मैंने अब सब हर जो कोई भी बात है मैं अपने भाई से शेयर करता हूँ, तो मैंने उनको ही बताया था, लेकिन फौरन नहीं बताया, थोड़ा बाद में बताया। तो मेरी लाइफ के बहुत सारे डिसीजन, क्या सारे डिसीजन मेरे भाई जो मेरे साथ बैठे हैं वही लेते हैं तौर मान, तो मैंने उनको ही बताया था।